जब हम अपने गले की संरचना को देखते हैं, तब हम पाते हैं कि हमारे गले में दो पाइप जैसी संरचना होती है। एक होता है विंड पाइप, जो कि आगे की ओर होता है और हमारे फेफड़ों में चला जाता है, जिसके जरिए एयर ट्रैवल करके फेफड़े तक पहुंचती है। दूसरा होता है फूड पाइप, जो कि विंड पाइप के पीछे की ओर होता है, जहां से भोजन मुंह के जरिए हमारे पेट में जाता है। जब हम अपने गले की एनाटॉमी को देखेंगे, तब हम पाएंगे कि हमारे गले में विंड पाइप के आगे की ओर एक संरचना होती है, जिसके कारण हमारे गले में एक उभरा हुआ नॉच निकला रहता है, जिसे इंग्लिश में एडम्स एप्पल कहते हैं और हिंदी में इसे कंठ भी कहते हैं। देखिए, ये जो कंठ वाला भाग हमारे गले में निकला हुआ होता है, इसे ही मेडिकल की भाषा में लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और वॉइस बॉक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के जरिए हम बोल पाते हैं, हमारे कंठ से आवाज निकलती है। हम सबसे पहले तो अपने इस कंठ की संरचना को देख लेते हैं, यानी वॉइस बॉक्स को। उसके बाद हम ये जानेंगे कि हमारे वॉइस बॉक्स से आवाज कैसे निकलती है। हमारा वॉइस बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसे लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स का लेंथ लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर तक होता है और हम इसे अपने गले में बाहर की ओर से भी हाथ लगाकर अनुभव कर सकते हैं। हमारे लैरिंग्स के अंदर मुख्यतः 5 संरचनाएं होती हैं, जिसके आधार पर हमारे लैरिंग्स की रचना होती है। सबसे पहले हमारे गले में सबसे ऊपर की ओर होता है हायोइड बोन, जो कि किसी भी बोन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि मसल्स के जरिए हमारे चेहरे और हमारे गले के बाकी के हिस्सों से जुड़ा रहता है। उसके बाद इसी हायोइड बोन के नीचे एक मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है हमारा थायरॉइड कार्टिलेज, जिसे हमारा कंठ भी कहते हैं। देखिए, इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। हमारे कंठ की पोजीशन के चेंज होने की वजह से भी हमारे आवाज के भी पिच में चेंजेस आते हैं। फिर उसके बाद इसी थायरॉइड कार्टिलेज से एक छोटे से मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो कि नीचे से थायरॉइड कार्टिलेज को सपोर्ट करता है। ये तो हुआ हमारे वॉइस बॉक्स के सामने का स्ट्रक्चर। अब आइए चलते हैं इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आवाज उत्पन्न होती है। देखिए, सबसे पहले अंदर की ओर थायरॉइड कार्टिलेज और हायोइड बोन के सहारे लगा रहता है हमारा एपिग्लॉटिस, जो कि हमारे शरीर का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये क्या करता है, जब भी हम कोई भोजन खाते हैं, तो आप ध्यान दिए होंगे कि कभी भी भोजन हमारे विंड पाइप के होते हुए हमारे फेफड़े में नहीं जाता है, बल्कि फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में ही जाता है। वह इसी एपिग्लॉटिस के वजह से ही होता है। हम जब भी कोई फूड को निगलते हैं, तो ये एपिग्लॉटिस निगलते वक्त विंड पाइप को ढक लेता है और एक नाली नुमा संरचना बनाकर सीधे फूड पाइप में खुलता है, जिसकी वजह से फूड हमेशा एसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में ही जाता है। और यहाँ पर पीछे की ओर पेयर में एक कार्टिलेज पाया जाता है, जिसे एरिटिनॉइड कार्टिलेज कहते हैं। यहीं से दो धागे नुमा संरचना आगे की ओर निकली हुई होती है। ये धागे नुमा संरचना दरअसल लिगामेंट्स होती है, इसे ही वोकल कॉर्ड कहते हैं, जिनके दोनों तरफ मसल्स अटैच रहते हैं और इसी मसल्स के वजह से ही ये वोकल कॉर्ड भी मूव कर पाते हैं। सांस लेते वक्त, मतलब इनहेलेशन के समय, ये कॉर्ड ओपन हो जाते हैं और एक्सहेलेशन के समय वोकल कॉर्ड बंद हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इतनी जानकारी वोकल कॉर्ड और लैरिंग्स के बारे में पर्याप्त है। अब हमें ये जानना चाहिए कि आखिर ये काम कैसे करता है, आखिर ऐसा क्या होता है कि आवाज प्रोड्यूस करने लगता है। चलिए जानते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम अपने नाक से सांस लेते हैं। ये एयर हमारे नाक से होते हुए हमारे विंड पाइप में जाती है और विंड पाइप से होते हुए हमारे फेफड़ों में चली जाती है। देखिए, जब विंड पाइप से हवा हमारे फेफड़े में जाती है, तो ये वोकल कॉर्ड से होकर गुजरती है, लेकिन सांस लेने वक्त वोकल कॉर्ड खुला रहता है। जैसे ही सांस अंदर गई, वोकल कॉर्ड बंद हो जाते हैं और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, तब वोकल कॉर्ड खुल भी जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी इच्छा से कोई चीज बोलना चाहते हैं या कोई सॉन्ग गाना चाहते हैं, तो होता ये है कि हम अपने वोकल कॉर्ड को एक साथ ले जाते हैं, मतलब वोकल कॉर्ड के बीच का गैप कम हो जाता है और हम अपने फेफड़े से हल्के प्रेशर के साथ एयर को बाहर की ओर छोड़ते हैं। इससे होता ये है कि हल्के प्रेशर और एयर की वजह से वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होने लगता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी किसी चीज में वाइब्रेशन होता है, तो वो साउंड को प्रोड्यूस करती है। वोकल कॉर्ड में भी वाइब्रेशन के कारण हमारे गले से आवाज को निकालने लगती है। फिर जैसे ही वाइब्रेशन गले से आगे की ओर बढ़ती है, हम अपने होंठ, दांत और तालू की वजह से इसे एक शब्द के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी अपने जीभ, दांत
अर्थात होंठ और तालु के शेप के अनुसार हम अलग अलग शब्दों को बोल भी पाते हैं। आप कभी कभी पाते हैं कि कुछ लोगों के गले से बहुत ही कर्कशी सी आवाज सुनने को मिलती है, बिल्कुल अप्रिय बोली निकलती है उनके मुंह से, जैसे मानो उनके गले में कोई खराश सा हो गया हो। देखिए, ऐसी स्थिति में होता ये है कि उन व्यक्तियों के वोकल कॉर्ड बिल्कुल भी एक सिमेट्री में नहीं रहते हैं, यानी दोनों बिल्कुल एक पोजीशन में नहीं रहते हैं। एक पूरा खुला रहता है तो एक कम खुला रहता है, या एक वोकल कॉर्ड ज्यादा पतला हो जाता है या एक मोटा हो जाता है। जब किसी व्यक्ति का वोकल कॉर्ड बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाता है तो व्यक्ति का पिच बहुत ही हायर लेवल पर होता है, बहुत ही पतली सी आवाज निकलती है, और जिन व्यक्तियों का वोकल कॉर्ड रिलैक्स्ड पोजीशन में होता है तो एक लो पिच की आवाज निकलती है। ये रियल वीडियो देखिए कैसे व्यक्ति का वोकल कॉर्ड काम करता है अलग अलग पिच के अकॉर्डिंग। अब व्यक्ति के गले से निकलने वाली आवाज कितनी ज्यादा तेज होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके फेफड़े से कितनी ज्यादा और किस इंटेंसिटी से एयर बाहर की ओर निकल रही है। और जब यही साउंड गले से बाहर निकलकर हमारे बकल कैविटी, नेसल कैविटी और हमारे चेहरे में पाए जाने वाले साइनसेस में आकर रेजोनेट होती है तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग टोन हमें मिलती है, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति की आवाज सेम नहीं होती है। आप ध्यान दिए होंगे कि कुछ व्यक्तियों की आवाज बहुत ज्यादा गंभीर टोन के साथ होती है तो कुछ व्यक्ति हल्का सा नाक से बोलते हैं ऐसा लगता है, तो ये उनके गले से निकलने वाले आवाज का हमारी बकल कैविटी और हमारी नेसल कैविटी में रेजोनेशन की वजह से ही ऐसा होता है। फिलहाल मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने को तो मिला ही होगा।